समंदर के अंदर मछली के अचानक वार करने के हवाले से तो सब ने सुना ही होगा, लेकिन आज आप हमको समंदर से अचानक बाहर आने वाली मछली के खतरनाक वार का शिकार होने वाले लड़के के बारे में बताएंगे। एक खतरनाक मछली ने इदुल नामी नौजवान की गर्दन पर इस कदर ताकत से वार किया कि वो कश्ती से पानी में जा गिरा, लेकिन खुशकिस्मती से 16 साल लड़के को जिंदा बचा लिया गया। बच्चे ने इस खौफनाक हादसे के बाद 5 दिन बाद गैर मुल्की खबर रसां इदारे को बताया कि वो रात में अपने घर वालों के हमरा फिशिंग ट्रिप पर गए थे। मछली के हमले के बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 2 घंटे की सर्जरी के बाद 3 सर्जन्स ने उनकी गर्दन से मछली का नुकीला मुंह निकाला। अस्पताल के डायरेक्टर जनरल का कहना है, बच्चे की हालत मुस्तहकम है, लेकिन इसे अभी भी बुखार है और हम इसका बुखार ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। मोहम्मद ईदुल की तस्वीर दुनिया भर में वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक मछली का सुई नुमा मुंह इसकी गर्दन से आर पार हो गया है।